लाठी में भगवा तगवा सब उड़ जाएगा इस बार। जितना मजबूत ये लाठी है उससे ज्यादा हमारा साकेत कुमार मजबूत है। हमने के ना जीत कोई नहीं जाए। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना है तो साकेत भैया को वोट करे, और प्लेसमेंट अगर लाना है तो साकेत भैया को वोट करे। शेर पर शेर साकेत भैया इस बार पटना विश्वविद्यालय का चुनाव जीत रहा है। पिछले 3 वर्षों से जिन्होंने भी छात्र संघ चुनाव जीतने का काम किया विश्वविद्यालय में एक भी काम नहीं किया। विश्वविद्यालय के हित के लिए कुछ भी नहीं किया है अभी तक, जितना भी किया है। आप बताइए पीडब्ल्यूसी में छात्राओं की लिबर्टी ना मात्र की है, एमएमसी में फूट ब्रिज की कमी है, बताइए। आरजेडी जिंदाबाद, हम पूरा पैनल जीतने का काम करेंगे। देखिए कि लालू पार्टी पहुंच गई है छात्र चुनाव में और ये लोग डंडा लेकर के आए हैं। इदम जो तेल पिलावन लाठी पिलावन जो एक तरह से था लाठी, वही लाठी लेकर के ही आए हैं। पूरा देख लीजिए, बाकी जो कार्यकर्ता हैं उनमें जो है वो फट्टी लगा हुआ है, लेकिन मजबूत लाठी लेकर के आए। लाठी देख लीजिए कि कितना स्ट्रांग है, और देख लीजिए कि लाठी को हम दिखाना चाहेंगे कि आप लाठी जो है यहाँ पर देख लीजिए। शेर पर शेर साकेत भैया इस बार पटना विश्वविद्यालय का चुनाव जीत रहा है। पिछले 3 वर्षों से जिन्होंने भी छात्र संघ चुनाव जीतने का काम किया विश्वविद्यालय में एक भी काम नहीं किया। प्लेसमेंट सेल से लेकर छात्रों की जिसने 3 साल में जो छात्र संघ के अध्यक्ष बने हैं सिर्फ और सिर्फ छात्राओं को लूटने का काम किया है, लोट देने का काम किया है। विश्वविद्यालय के हित के लिए कुछ भी नहीं किया है अभी तक, जितना भी किया है। आप बताइए पीडब्ल्यूसी में छात्राओं की लिबर्टी ना मात्र की है, एमएमसी में फूट ब्रिज की कमी है, बताइए। कभी हादसा होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? खाली जाएंगे जीतेंगे अपने हित के लिए, विधायक बनने के लिए छात्र संघ का चुनाव। मजबूत लाठी कहाँ से लिया? अरे लाठी नहीं, झंडा है, झंडा लाठी नहीं इसको कहिए। अरे लाठी में भगवा तगवा सब उड़ जाएगा इस बार। जितना मजबूत ये लाठी है उससे ज्यादा हमारा साकेत कुमार मजबूत है। हमने के ना जीत कोई नहीं जाए। हाँ जीत तो हो गई, सिर्फ औपचारिकता बाकी है। जिस तरह से युवा के सरकार बा, युवा ही चाहिए हमनी के, बुढ़वा बना चाहिए। हाँ युवा, युवा ही चलाएगा देश, ठीक बा। हमनी के जीत कोई नहीं जाए। जा पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना है तो साकेत भैया को वोट करे, और प्लेसमेंट अगर लाना है तो साकेत भैया को वोट करे। अगर हमारी माँ बहन मेरी सुरक्षा में नहीं है तो ये जिम्मेवार है पटना यूनिवर्सिटी के प्रशासन। और साकेत पटना विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई यूजी का छात्र जो बिहार में सरकार में है उसे टिकट लेकर और अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहा है। लोगों को बदलाव की ओर देखना चाहिए और साकेत कुमार को भारी भारी मदद से भेजा मना चाहिए। जिस प्रकार से हम लोगों की 200% जीत है उसमें कोई कुछ नहीं कर सकते। दो ओवर बोले ना पहले, जैसे हमने के मोकामा में नॉमिनेशन दिया कहले वही दिन पता हो गया है जीत गुनी जा, वो सही पटना विश्वविद्यालय में भी जीत गुनी जा। 100% औपचारिकता बाकी है, बाकी कुछ साकेत भैया जीतेगा 10 दिन के बाद टिकट मिलेगा। अरे पूरा पीयू डाल रहा है भैया, अरे पूरा राजा जीतेगा पड़े हो चक्कर में। साकेत कुमार जिंदाबाद, पटना यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष कैसा हो? एक ने तो अध्यक्ष कैसे तो होगा जो छात्र के हितों में हमेशा आवाज उठाता है। साकेत कुमार जिंदाबाद। देखिए कि जो है ये राजद के लोग हैं और हम लोग पर जो है कुरान फेंक दिया जा रहा है। हालांकि चलिए ये अभी जीते नहीं, गुलाल जीत सुनिश्चित है। छात्र राजद के टक्कर में कोई नहीं है, इसलिए हम पहले ही से खुशी मना रहे हैं। साकेत कुमार यहाँ अध्यक्ष पद पर पूरे तौर से ठीक है। तो यहाँ जो है राजद की महिला के समर्थक भी आई है, आप लोग जीतेगी जरूर जीतेगी, जरूर जीतेगी आरजेडी। क्या मुद्दा है लड़कियों का? क्या मुद्दा है लड़की का? ये है कि हम लोग का हॉस्टल अच्छा से रहे और ज्यादा पैसा ना रहे, हम लोग का फी कम हो जाए। आरजेडी में जो है लड़की का जिंदाबाद 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 आरजेडी जिंदाबाद। हम पूरा पैनल जीतने का काम करेंगे। लाठिया कहाँ से लिया? अरे लाठी, झंडा है झंडा।
झंडा का पहचाना झंडा है। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं और यहाँ सुनिश्चित करने के लिए बेगूसराय से पटना के विश्वविद्यालय में आए हुए हैं। यहाँ पूरा आरजेडी पांचों पैनल जीत रही है और कोई पार्टी इसके टक्कर में नहीं है। आरजेडी के वर्कर काफी उत्साहित है और हमको खुद रंग दिया।